हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग पैरेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन को डिस्कस करेंगे। देखिए, पैरेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन एक बेसिकली इकोनॉमिक एफिशिएंसी है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, हम इसको इस मॉडल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये आइडिया एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम था विल्फ्रेडो पैरेटो। उन्होंने ये आइडिया दिया था, इसीलिए इसको हम लोग पैरेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरियन कहते हैं। उन्होंने एक आइडिया ये दिया था, ये क्राइटेरिया कहता है कि हम किसी भी आदमी को फायदा नहीं पहुंचा सकते जब तक हम किसी दूसरे आदमी को नुकसान ना पहुंचाएं। यानी हम एक ऑप्टिमलिटी की उस कंडीशन पर पहुंच गए हैं कि हमारी रिसोर्सेज जो भी है, प्रोडक्ट है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अब प्रोडक्शन के अंदर कोई भी चीज़ आप लीजिए, कहते हैं कि वो उस लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं कि अब किसी को अगर हमें फ़ायदा पहुंचाना है तो दूसरे को नुकसान करना होगा। मतलब कोई भी आदमी बेटर ऑफ नहीं हो सकता जब तक कोई दूसरा आदमी वर्स ऑफ ना हो। ठीक है, एक कंडीशन उन्होंने ये ले दी है। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि वन बिकेम बेटर ऑफ एंड नो वन बिकेम वर्स ऑफ, तो वो कहते हैं कि ये पैरेटो इंप्रूवमेंट कहलाता है। ठीक है, और एक कंडीशन कि अगर कोई भी बेटर ऑफ नहीं हुआ और कम से कम एक आदमी, एक जो है वो व्यक्ति वो वर्स ऑफ हो गया, तो ये वेलफेयर में लॉस है। इसको कहते हैं डिग्रीज इन दी सोशल वेलफेयर। ठीक है, इस क्राइटेरिया को जो हम लोग पैरेटो ऑप्टिमलिटी के टर्म्स में जब हम इसको डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि सिचुएशन इन विच इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनीवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ, और इसी को हम पैरेटो ऑप्टिमलिटी या पैरेटो एफिशिएंसी कहते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एग्जांपल फिर मैं वही जब पिछली वीडियो में भी किसी एक आदमी में इस तरह का एग्जांपल देता हूँ कि ये एग्जांपल बिल्कुल लिखने के लिए नहीं है, एग्जाम में आपको मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए एक फैमिली के अंदर चार लोग हैं। ठीक है, और इनके पास जो टोटल इनकम है वो है 100 रुपीज, इसके पास 25 है, इसके पास 25 है, इसके पास 30 है और इसके पास 20 है। हमारी इकोनॉमी में टोटल इनकम ही हमारे पास 100 है और वो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई, ये बेस्ट इफिशियंसी है, ये पैरेटो ऑप्टिमलिटी है। क्यों पैरेटो ऑप्टिमलिटी है? क्योंकि यहां रिसोर्सेस पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि इसके पास प्लस 5 हो जाए, तो वो प्लस 5 कहां से आएंगे? यानी ये तो बेटर ऑफ हो जाएगा, इसके पास अब हो जाएंगे 30, लेकिन वो इनके किसी में से तो कम करने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो 100 ही है। मान लीजिए यहां पर कम हो गए तो ये बेटर ऑफ हुआ लेकिन ये वर्स ऑफ हो गया। तो वो कंडीशन जब हमारे पास, वो कंडीशन आ जाए कि जब किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना जरूरी है, तो वो पैरेटो ऑप्टिमलिटी कहलाती है। यहां हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ऑप्टिमम है, इससे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज आप ये मानिए कि कहीं से कोई भी है इनमें से, मान लीजिए ये वाला है, इसने कहीं से 5 रुपये का और इंतजाम कर लिया, कहीं थे इनने भाग दौड़ करी और उसको इंतजाम कर लिया, वो 5 रुपये बढ़ गए, यानी इसके पास प्लस 5 हो गए। अब कितना हो गया? इसका 30, 25, 30 एंड 20। लेकिन अब आप इसको टोटल कीजिए तो ये टोटल हो जाएगा 105। वो कंडीशन जब कोई एक बेटर ऑफ हो जाए और कोई अदर, यानी कोई भी अदर में से वर्स ऑफ ना हो, इस कंडीशन को हम लोग पैरेटो इंप्रूवमेंट कहते हैं। यानी यहां हमारा वेलफेयर 100 से 105 हो गया, तो यह कहलाता है पैरेटो इंप्रूवमेंट, क्योंकि हमने एक बेटर ऑफ हुआ है लेकिन कोई भी वर्स ऑफ नहीं हुआ, इसको पैरेटो इंप्रूवमेंट कहते हैं। एक कंडीशन और है कि सपोज कर लीजिए
हमारे पास वही 100 है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन किसी वजह से इसके -5 हो गए, यानी 20 हो गए, यानी एक वर्स ऑफ हुआ और कोई अदर बेटर ऑफ नहीं हुआ, यहां सिर्फ नुकसान है, यानी अब यहां पर जो है वो 95 रह गया। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिग्रीज इन द सोशल वेलफेयर, यानी ये कंडीशन कहां है, वो चेंज जहां नो वन बिकेम बेटर ऑफ एंड एटलीस्ट वन वर्स ऑफ, वहां कहेंगे इसको डिग्रीज इन द सोशल वेलफेयर। ठीक है, आ रही है समझ में ये? तो ये बस मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया है, बाकी हम जो इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी एज वर्स बॉक्स डायग्राम के थ्रू आगे हम इसको पढ़ेंगे, ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि आखिर ये कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से कौन सी सिचुएशन है जहां ये पेरिटो ऑप्टिमलिटी है, कहां पेरिटो इंप्रूवमेंट है और कहां डिग्रीज इन द सोशल वेलफेयर है। ठीक है, अच्छा, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम 3 मार्जिनल कंडीशंस को स्टडी करेंगे, हम इकोनॉमिक की 3 डिफरेंट मार्जिनल कंडीशंस लेंगे और उनको स्टडी करेंगे। पहली क्या है, इफिशियंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कस्टमर्स, इफिशियंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कस्टमर्स, और इसको हम इफिशियंसी ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। इसको मैं अलग कलर से लिख लूं, efficiency of exchange, okay? दूसरा है efficiency in the allocation of factors among firms, efficiency in the allocation of factors among firms, और यहां factors of production distribute हो रहे हैं firms के अंदर, तो इसको हम लोग efficiency of production भी कहते हैं। efficiency ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और तीसरे में यही इफिशियंसी इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन यहां अमंग कम्युनिटीज में है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, यानी इफिशियंसी इन द एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग कम्युनिटीज, efficiency in the allocation of factors among, वहां फर्म के अंदर था, यहां पर कमोडिटीज के अंदर है, कमोडिटीज, ओके। और इस एफिशिएंसी को हम एफिशिएंसी इन द प्रोडक्ट मिक्स भी कहते हैं, एफिशिएंसी इन द प्रोडक्ट मिक्स, या कहीं कहीं आपको इसको एफिशिएंसी ऑफ कंपोजिशन ऑफ आउटपुट भी मिलेगा, कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये 3 इफिशियंसीज हैं जिनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। अच्छा,
क्योंकि आप अगर इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी को ले तो यहाँ तो बहुत सारे कंज्यूमर हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। तो सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पर हम मॉडल लेके चलेंगे जहाँ पर हमारे पास टू कंज्यूमर हैं कोई भी नाम ले लीजिए, हम यहां ए एंड बी ले लेते हैं, ए एंड बी। ठीक है, और टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लेते हैं, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप ले लीजिए, जो हम लोग जनरली कैपिटल और लेबर को लेते हैं। ठीक है, और टू कमोडिटीज ले लेते हैं, टू कमोडिटीज ले लेते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल जो कहलाता है, ये कहलाता है टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, इस मॉडल को लेके हम इस पूरी स्टडी को करेंगे। चलिए तो सबसे पहले लेते हैं इफिशियंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कस्टमर, यानी इफिशियंसी इन एक्सचेंज। तो चलिए फर्स्ट इफिशियंसी, इफिशियंसी इन एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, क्या इसमें क्या होता है। इसमें हम देखते हैं कि यहां पर पैरेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया काम करता है कि जब हम दो कंज्यूमर के बीच में, यानी ए और बी दो कंज्यूमर हैं, उनके बीच में हम दो कमोडिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्स एंड वाई टू कमोडिटीज हैं, और हम कहते हैं कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त इफिशियंट होगा जब इट इज इम्पॉसिबल बाय ए रीडिस्ट्रीब्यूशन, इम्पॉसिबल बाय ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज गुड्स टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल विदाउट रिड्यूसिंग द यूटिलिटी ऑफ अदर। हम यहां पर इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कम्युनिटीज को कि किसी एक को नुकसान पहुंचाए बिना दूसरे को फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता। यानी एक को अगर हम थोड़ी सी कम्युनिटी ज्यादा देना चाह रहे हैं तो वो दूसरे से ही लेकर दी जाएगी, ये ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं, इस फिगर को, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है फिगर, लेकिन आसान है, जब इसको हम स्टडी करेंगे तो इजी होगी। अच्छा, मैं एडवाइस करूंगा कि इससे पहले एक वीडियो डाली, इसी से पहले डाली है, पैरेटो ऑप्टिमलिटी तो ये है एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। ओके, एजवर्थ बॉक्स डायग्राम इससे पहले वीडियो डालिए, उसको प्लीज डिटेल में देख लीजिए, पूरी वीडियो को उसको देखेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये डायग्राम उसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, यहां पर देखिए हमारे पास दो कंज्यूमर है ए एंड बी, तो यहां से जो ये हमारे इनडिफरेंस कर्व हैं वो ए के शुरू होते हैं, ए जो है वो हमारा रेड से है, तो ये जितने भी इनडिफरेंस कर्व्स हैं वो ए के हैं, और बी को हमने ब्लू से लिया है, तो जितने भी इनडिफरेंस कर्व हमारे ब्लू हैं वो कंज्यूमर बी के हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी हमारी ऑप्टिमलिटी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कोई भी एक को फायदा हो रहा है विदाउट हार्मिंग दी अदर। ठीक है, अब मान के चलिए कि हमने यहां पर ये दोनों कर्व टच कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कर्व्स को हमने टेंजेंट किया है हर जगह, और ये जो एक लाइन खींची है ये बताती है, एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कर्व बताता है कि इस कर्व के ऊपर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो ऑप्टिमम होंगे, डिपेंड करता है लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पर, किसका क्या लेवल है, इसका क्या लेवल है, लेकिन अगर आप इस लाइन पर रहेंगे, इस एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर रहेंगे तो वो ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हम हट जाते हैं कि एक ये भी जगह है जेड पॉइंट है जहां ये दोनों कर्व टच कर रहे हैं। ठीक है, यही दोनों कर्व टच कर रहे हैं, ये भी टेंजेंट है यहां पर, तो यहां पर अगर हम इसको मान के चलें कि अगर इसको हम ऑप्टिमलिटी माने तो क्या होगा, क्या इसके अलावा कोई और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जिसमें किसी एक को नुकसान पहुंचाए बिना दूसरे को फायदा पहुंचाया जा सकता है, यानी कोई और ऑप्शन है कि कोई एक बेटर ऑफ हो जाए और कोई दूसरा
वर्स ऑफ ना हो। देखिए, अगर हम इसको मानकर चलें कि ये हमारा ऑप्टिमम है, तो देखिए Z में आपको इस Z के ऊपर कोई भी आप ऑप्टिमलिटी पॉइंट ले लीजिए, वो सेम यूटिलिटी देगा B को, और यहां रेड के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो इक्वल यूटिलिटी देगा A को। तो सपोज कर लीजिए, अब हम Z की बात कर रहे हैं, Z पॉइंट में इस कर्व पर कोई भी यूटिलिटी अगर मिलेगी तो वो कंज्यूमर ए को इक्वल होगी। ठीक है, अब तक जो जेड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये एक्स ए को मिला है और ये बी को मिला है, ये वाई ए को मिला है और ये बी को मिला है, अब तक का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये रेड वाले ए थ्री के ऊपर, अब ए थ्री के ऊपर देखिए ये इंडिफरेंस कर्व है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट चूज किया जा सकता है, ये भी उतनी ही यूटिलिटी देगा, ये भी उतनी ही यूटिलिटी देगा, ये भी उतनी ही यूटिलिटी देगा। तो इस तरह से अब आप यहां पर देखिए कि रेड वाले हर जगह सेम यूटिलिटी देगा। तो अगर हम जेड की ए की यूटिलिटी को मेंटेन करते हुए इसमें अगर हम दूसरी तरफ बढ़ते हुए जाएं और पॉइंट ए पर आ जाएं अगर हम, तो यहां क्या होगा, पॉइंट ए पर बी की यूटिलिटी बढ़ गई क्योंकि वो अपने हायर इंडिफरेंस कर्व पर आ गया और ए की यूटिलिटी उसी कर्व पर रही। ए की यूटिलिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एन ना वर्स ऑफ है ना बेटर ऑफ है, इस कर्व के ऊपर कहीं भी वो पॉइंट को चूज कर सकता है। लेकिन अगर हम उस ए को जरा सा मूव कर जाएं जेड से ए की तरफ, तो हम देखेंगे कि वहां जो बी का इंडिफरेंस कर्व है वो हायर पर आ जाता है, यहां हमारा B की जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा ये पॉइंट है A, ये हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है, यहां हमारे पास ऑप्टिमलिटी है। इसके अलावा अगर हम चेंज करेंगे तो हमें नुकसान होगा। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, पैरिट ऑप्टिमलिटी क्या है, कि वो कंडीशन इंपॉसिबल है कि किसी को नुकसान पहुंचाए बिना आप किसी को फायदा पहुंचा दें। लेकिन यहां पर तो ए को कोई नुकसान नहीं हो रहा और बी को फायदा हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पैरिटो इंप्रूवमेंट, यहां हमारे वेलफेयर इंक्रीज करता है। यानी अभी हम ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं पहुंचे हैं, अभी गुंजाइश है कि हम और डेवलप करें, हमारा जो वेलफेयर है वो और इंप्रूव करें। तो इस पॉइंट से जो हम जेड सर ए पर आए, ये हम पैरिटो इंप्रूवमेंट इसको कहते हैं। और जब हम ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए, यानी ए पर हम पहुंच गए जहां पर अब कोई चांस नहीं है, अब अगर आप इधर बढ़ेंगे तो बी को लॉस है, इधर बढ़ेंगे तो ए को लॉस है, तो ये पॉइंट जो आपका है इन दोनों कर्व्स को लेकर, ये जो है वो ऑप्टिमल पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर आप किसी एक को नुकसान पहुंचाए बिना किसी दूसरे को फायदा नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, ये आपका एक्सचेंज इन एफिशिएंसी इन एक्सचेंज है। अब देखिए, ये जो कर्व है, बेसिकली जो कर्व होता है ये आपको क्या बताता है, ये बेसिकली आपका चेंज हो रहा है, तो ये आपका कर्व होता है, ये बेसिकली आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है कि इससे वाई से एक्सचेंज हो रहा है, यही बताता है ये। तो इसका मतलब अब आपको ऑप्टिमलिटी कहां पर मिल रही है, दोनों केसेस में हमारे पास ए और बी में, ये पॉइंट है ए, ए क्या है, ए पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर कंज्यूमर ए फॉर दी गुड्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू दी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर बी फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, ये बेसिकली पैरिटो ऑप्टिमलिटी है। इस पॉइंट पर दोनों की मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों गुड्स के लिए इक्वल है। ठीक है, तो समझ में आ गया, इस पॉइंट से मूव करेंगे हम ए पर, ए पर आ जाएगा, और आपको ये भी बताता है कि ये जो पोर्शन है पूरा, इसके अंदर आपको और ऑप्टिमलिटी मिल सकती है, लेकिन इस पोर्शन से अगर आप बाहर जाएंगे तो लॉस है। ठीक है, तो आइए सेकेंड देखते हैं, efficiency of production। यहां पर हम दो फर्म्स x और y के बीच में दो
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल और लेबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑप्टिमली। देखिए ये ऑलमोस्ट सेम है जैसे हमने अभी किया था, हमने दो कंज्यूमर के बीच में प्रोडक्ट को किया था, यहां दो फर्म्स के बीच में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम करना है। तो यहां हमारे पास जो फर्म है वो दो है, एक्स एंड वाई। तो ये हमारी फर्म एक्स हो गई, ठीक है, और इसी तरह ये सब हमारे जो हमने वहां पर ये इंडिफरेंस कर्व लिए थे, यहां हम ये आइसोकांट लेकर चल रहे हैं। ये जो रेड वाले आइसोकांट हैं वो फर्म एक्स के हैं, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर एंड एक्स फाइव, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारी फर्म वाई हो गई, और अब इसी तरीके से ये जो हमारे ब्लू वाले आइसोकांट्स हैं ये सारे आइसोकांट हमारे फर्म वाई के हो गए, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर एंड लास्टली वाई फाइव, ओके। अब देखिए, और ये हमारे जो फैक्टर्स हैं, यहां हमने पहले प्रोडक्ट लिए थे, अब हमारे फैक्टर हैं, ये हमारा कैपिटल है, कैपिटल, ये हमारा कैपिटल ऑफ वाई हो गया, और ये हो गया हमारा कैपिटल ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरह से ये जो है ये हमारा लेबर ऑफ एक्स हो गई, और ये हमारी लेबर ऑफ वाई, ठीक है। और देखिए बाकी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, हम यहां पर ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन पर पहुंच रहे हैं। तो अगेन हम यही देखेंगे कि सारे आइसोकांट्स हैं, अगर हम वापस जाएं हम जेड को चेक करें कि वो ऑप्टिमल है नहीं है, उससे हम मूव करें फिर वापस ए के ऊपर या हम बी के ऊपर, तो हम ये देखेंगे कि यहां पर एक कंडीशन है कि एक फॉर्म बेटर ऑफ हो रही है विदाउट वर्सनिंग द अदर, वर्स ऑफ दूसरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब एक पॉइंट यहां आ सकता है हमारा। तो इसके बीच में जितनी भी हमारी पॉइंट है वो ऑप्टिमलिटी कहलाएंगे। तो इस केस में जो ए है हमारा वो पेरिटो ऑप्टिमलिटी है, जैसा सेम हमने अभी प्रोडक्ट के केस में किया था, और जेड हमारा ऑप्टिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। वहां जो कर्व हमारा था उस केस में वो था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब हम फर्म्स के केस में आ जाते हैं तो ये हो जाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म एक्स फॉर लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल टू दी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म वाई फॉर लेबर एंड कैपिटल। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी ये कर्व्स जो हैं दोनों के ये इक्वल हो जाएंगे, हमारे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जहां है, तो वो हमारी पेरिटो ऑप्टिमलिटी कहलाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो ऑलमोस्ट ये उसके सेम है, बस कुछ पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब तीसरा लेते हैं जिसको है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स किसे कहते हैं? प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली देखिए फर्म्स, एक फर्म बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, कोका कोला बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो वो कौन से प्रोडक्ट को कितना बनाए इसको प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। यहां पर बेसिकली हम क्या करेंगे, हम दो कमोडिटी लेकर चलते हैं, ए एंड बी, ठीक है, और दो फैक्टर्स लेके चलते हैं जो इनके बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। देखिए करना सिर्फ हमें यहां पर यह है, ये सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है ये, हम सिर्फ इसमें ये करना है कि हमें ये देखना है कि फर्म दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, क्या ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि दोनों प्रोडक्ट के बीच में जो फैक्टर्स हैं वो ऑप्टिमल रहें, ठीक है। इससे इसको समझने के लिए हम सिर्फ
स्लोप ऑफ द कर्व का आइडिया ले सकते हैं कि ये स्लोप जो होता है, ये जो स्लोप होता है ये आपको क्या बताता है। बेसिकली ये स्लोप आपको बताता है कि ये मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई, जिसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एंड वाई भी लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको ये एक्स है और ये वाई है, अगर आपको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, एक्स वन करना है, तो आपको वाई का प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना होगा। ठीक है, यही तो स्लोप ऑफ द कर्व है, जिसको हम कह रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक प्रोडक्ट का। अच्छा, अगर हम दोनों प्रोडक्ट को ए और बी को अलग अलग लें कि ये हमारा प्रोडक्ट ए है और ये हमारा प्रोडक्ट बी है, और ये दोनों के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है यहां पर, प्रोडक्ट ए के एक्स से वाई के लिए और प्रोडक्ट बी के एक्स से वाई के लिए, तो अगर ये इन दोनों के इक्वल हो जाए तो ये हमें पारेटो ऑप्टिमलिटी मिल जाएगी। यही तो पैरिटी ऑप्टिमलिटी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर यह मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल हो जाए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर प्रोडक्ट ए फैक्टर एक्स एंड वाई इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर प्रोडक्ट बी फॉर एक्स एंड वाई, तो ये जो सिचुएशन निकल कर आएगी इसको हम कहेंगे पैरिटो ऑप्टिमलिटी। पैरिटो ऑप्टिमलिटी कहाँ है कि यहां पर हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों का, वो इंडिविजुअली दोनों के बराबर हो जाए। यानी अब ना तो इसको हम बढ़ा सकते हैं ना इसको, अब अगर हम दोनों में से किसी एक को बढ़ाएंगे तो हमें दूसरे को नुकसान पहुंचाना होगा। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको जो प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप है उससे आपको आइडिया लेना है और उसके आइडिया से आपको ये पैरिटो ऑप्टिमलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पैरिटो ऑप्टिमलिटी आपकी समझ में आई होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे लिखिए, कोशिश करूँगा कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।